संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की निर्मम हत्या, एक अभियुक्त गिरफ्तार, दूसरा हुआ फरार। हुगली जिला इन दिनों अपराध की घटनाओं से दहल रहा है। हाल ही में सिंगूर के नंदा बाजार इलाके में संपत्ति विवाद को केंद्र कर एक ही परिवार के चार लोगों की तलवार से काटकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। सोमवार सुबह चंडीतल्ला में सिंगूर हत्याकांड की घटना की पुनरावृत्ति हुई है। अब चंडीतल्ला में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेदर्दी से हत्या करने का मामला सामने आया है। चंडीतल्ला थाना अंतर्गत नेटी इलाका सोमवार की सुबह उस वक्त दहल उठा जब संपत्ति विवाद को केंद्र कर एक ही परिवार के तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तेज धारदार हथियार के वार से तीन लोगों की हत्या कर दी गई। पति पत्नी और बेटी की हत्या उसके रिश्तेदार ने कर डाली। मृतकों की पहचान संजय घोष, मिताली घोष और शिल्पा घोष के तौर पर हुई। हत्या का आरोप मृतक के रिश्तेदार श्रीकांत और तपन घोष पर लगा है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौका ए वारदात पर पहुंची चंडीतल्ला थाने की पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि संपत्ति विवाद को लेकर हत्या की गई है। पुलिस से घटना स्थल से हत्याकांड में शामिल अभियुक्त तपन घोष को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य एक अभियुक्त श्रीकांत घोष फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। ठीक इसी तरह की घटना सिंगूर थाना क्षेत्र के नंदा ग्राम इलाके में घटी थी। वहां एक ही परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस घटना का भी मुख्य अभियुक्त अभी फरार बताया जा रहा है। सिंगूर की घटना के बाद चंडीतल्ला में संपत्ति विवाद को लेकर हुई हत्या उस घटना की पुनरावृत्ति करती है। पुलिस ने बारीकी से घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।